हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पॉट। आज के इस वीडियो में हम लोग ओ टू अनाइटिंगल बाय जॉन कीट्स के सिक्स स्टेंजा को डिस्कस करेंगे। ये जो पोयम है ये एक बहुत ही खूबसूरत पोयम है। रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने इस पोयम को लिखा था। इस पोयम को लिखा गया था 1819 में और इसे पब्लिश कराया गया था 1819 में ही। जैसा कि आपको पता है, ये जो पोयम है ये काफ़ी लंबी पोयम है, टोटल 80 लाइन्स है इस पोयम में, पर जॉन कीट्स ने इस पोयम को केवल एक दिन में ही कंप्लीट कर दिया था। जॉन कीट्स लिखते हैं, डार्कलिंग आई लिसन। जॉन कीट्स कहते हैं कि वो डार्कलिंग में, मतलब कि अंधेरे में सुनते हैं। क्या सुनते हैं? तो वो नाइटिंगल के सॉन्ग को सुनते हैं। एंड फॉर मैनी अ टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईसफुल डेथ। और कई बार उनकी इच्छा हुई है कि वो एक ईसफुल डेथ से मर जाएं। वो चाहते हैं, उन्हें प्यार है एक ईसफुल डेथ से। ईसफुल डेथ मतलब कि वैसा डेथ जिसमें कोई पेन ना हो, ऐसा डेथ की इच्छा रखते हैं जॉन कीट्स। कॉल हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी अम्यूज्ड राइम। और अपनी बहुत सारी कविताओं में जॉन कीट्स ने ईसफुल डेथ को कई नामों से पुकारा है, बहुत सारी सॉफ्ट नेम्स से उन्हें पुकारा है ईसफुल डेथ को। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रीथ। और उनसे कहा है, ईसफुल डेथ से कहा है कि उनकी सांसें जो है वो एयर में शांत कर दे। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रीच टू डाई। और पहले से ही जॉन कीट्स की कई बार इच्छा हुई है कि उनकी डेथ हो जाए, पर अभी जो है अभी वो बहुत ज़्यादा इच्छुक है कि उनकी डेथ हो जाए, वो भी बिना कोई पेन के। टू सीज अपॉन द मिड नाइट विथ नो पेन। और अभी किस टाइम है ये? तो मिड नाइट है। मिड नाइट में नाइटिंगल सॉन्ग सुना रही है और जॉन कीट्स वहाँ बैठे हैं, नाइटिंगल के पास ही खुद को पाते हैं, खुद को इमेजिन करें नाइटिंगल के पास। और वो चाहते हैं कि नाइटिंगल के सॉन्ग को सुनते सुनते ही एक ईसफुल डेथ से उनका डेथ हो जाए जिसमें कोई भी पेन ना हो। आगे के लाइंस में जॉन कीट्स कहते हैं कि वाइल दाउ आर्ट पावरिंग फोर्थ दाय सोल अब्रोड इन सच एन एक्सटेसी स्टिल उडेस्ट दाउ सिंग एंड आई हैव बीन ईयर इन वेन टू दाई हाई रिक्वीम बिकम अ सोर्ड। जॉन कीट्स कहते हैं कि उनका डेथ हो जाने के बाद भी नाइटिंगल जो है वो अपना स्वीट सॉन्ग सुनाते ही रह जाएगी, सुनाएगी ही अपना स्वीट सॉन्ग। पर क्या होगा ना कि उनके डेथ के बाद जो नाइटिंगल का स्वीट सॉन्ग है, एक मेलोडियस सॉन्ग है, वो दुख भरे सॉन्ग में बदल जाएगा, सैड सॉन्ग बन जाएगा, ऐसा जॉन कीट्स कहते हैं। उम्मीद है आपको सिक्स्थ स्टेंजा समझ में आया होगा। और अगर आप सेवेंथ स्टेंजा को जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।